लुका छुपे बहुत हुए सामने आ जाना। अब मुझे पता है दोस्तों, ये गाना जो मैंने गाया वो आपको पसंद नहीं आएगा, बेशक इसका ओरिजिनल वर्जन एक हद तक पसंद आ जाए क्योंकि मैं इतना बेसुरा जो गा रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि लुका छुपी का जो खेल चल रहा है ना, अब वो चल रहा है हमारे झनक और अनिरुद्ध के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला इनके बीच में लुका छुपी का खेल कैसा कर। देखो, लुका छुपी के खेल में क्या होता है कि एक छुपता है तो दूसरा शख्स उसे ढूंढता है। लेकिन यहाँ पे ये लुका छुपी के खेल में ना कुछ शर्तें अलग सी है, ये खेल के नियम अलग है, कायदे अलग है। यहाँ पे दोनों छुपे हुए, दोनों एक दूसरे सामने आने को नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, कुदरत और करिश्मे को इनका लुका छुपी का खेल पसंद नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे आपको ये मेरा गाना पसंद नहीं आया। और इसी के लिए अब लुका छुपी के इस खेल को समाप्त करते हुए हमारे झनक और अनिरुद्ध को भगवान एक करने जा रहे, किस्मत एक करने जा रही है, फिर क्योंकि लीना मैडम एक करने जा रही है। और यही नहीं दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसा भी होने वाला है कि अब झनक और अनिरुद्ध दोनों को एक बात बखूबी ये बात पता चल चुका है कि भाई अब ना ये दोनों को बार बार किस्मत मिला रही है तो अब अलग नहीं होना है। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध के साथ जो भी हालत हो रही है उसकी जिम्मेदार कौन है भाई, कौन है, अर्शी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जब अनिरुद्ध के साथ जो भी जिम्मेदार हो रही है उसकी अर्शी क्यों है, क्योंकि दोस्तों अर्शी अनिरुद्ध को ब्लैकमेल कर रही है। अर्शी ना अनिरुद्ध को क्या बोलती है, शर्तों पर रहना है, बाहर जाना वगैरह। तो भाई अनिरुद्ध पहले ही झनक को लेकर स्ट्रेस में है कि झनक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट मार दिया, झनक उसकी बातों को नहीं सुन रही है, झनक उसे प्यार नहीं करती है वगैरह, नफरत करती है झनक आदित्य के साथ, कुछ भी अनिरुद्ध जो सोच रहा है। अनिरुद्ध को ये लग रहा है कि उसको अब कभी भी झनक नहीं मिलने वाली है। ये बात जब से अनिरुद्ध को पता चली तो अनिरुद्ध अपने आप में झटके में था, स्ट्रेस में था। और इतना सब कुछ होने के बाद बेचारा अनिरुद्ध के साथ जो भी हादसे हुए, अब अनिरुद्ध उससे रिकवर करना चाह ही रहा था। लेकिन इतने में अर्शी मैडम अनिरुद्ध को वापस अब्रॉड भेजना चाहती है इस शहर से। मतलब अनिरुद्ध के पास थोड़ी सी जो उम्मीद बची थी कलकत्ता में रहकर कभी झनक आएगी वगैरह वगैरह, वो भी उम्मीद जा चुकी है। यानी कुल मिला के एक बात सच है कि अब झनक और अनिरुद्ध कभी नहीं मिल सकते, ये बात अनिरुद्ध को पता चल गया था। और इसी के लिए अनिरुद्ध को ये सीनियर हार्ट अटैक आया था। अब इस मेजर हार्ट अटैक के आने के बाद दोस्तों एक बात सच है कि झनक अनिरुद्ध के पास पहुंच गई है। और अब झनक और अर्शी के बीच में घमासान युद्ध होने वाला, जहां पर झनक और अर्शी के बीच में कई सारी तमाम बातें होंगी, जहां पर झनक ना अर्शी को यह बताएगी कि कैसे अब अनिरुद्ध को वो टेक ओवर करने वाली, यानी अनिरुद्ध को यानी अपना बनाने वाली, और कैसे इन दोनों के बीच में यह बहस होने वाला, क्या नया मोड़ लेगा, ये जानते दोस्तों आज के इस कार्य खास तमाम अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में आपके अपने पसंदीदा शो झनक स्टूडियो एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, बात यह नहीं है कि अनिरुद्ध एडमिट हुआ है, बात यह है कि अनिरुद्ध किसके लिए एडमिट हुआ है, किसके लिए, झनक के लिए। अब अनिरुद्ध किसकी वजह से एडमिट हुआ है, अब वो है झनक की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ समय पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने अर्शी का नाम लिया और अब मैं वापस झनक का नाम क्यों ले रहा हूं। तो ऐसा दोस्तों देखो, झनक को जब मुसीबत आई थी तो अनिरुद्ध दौड़ा दौड़ा चलाया था, जब झनक ने खुद ही इन्फॉर्म किया अनिरुद्ध को, ठीक है। झनक और अनिरुद्ध वहां पर एक हुए, कुछ पल के लिए बातें की, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, सैड मोमेंट थे, चलो कुछ भी, इनके दिल के नजारे जो भी थे सब कुछ हुआ, जहां पर अनिरुद्ध ने हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दी। अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए मंदिर जाता है, चमत्कारी फूल लाता है, माथे पर लगाता है, जो कुछ भी हुआ मेडिकल साइंस नहीं बल्कि अनिरुद्ध की वजह से झनक की जान बची है, यह बात झनक को बाद में पता चली। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। लेकिन फिलहाल झनक और अनिरुद्ध जब अलग हो गए, अनिरुद्ध वापस आया, फिर अनिरुद्ध के साथ ही सब कुछ हुआ, अनिरुद्ध को अर्शी ने यह बोल दिया कि नहीं तुम यहां चले जाओ वगैरह वगैरह, चलो हम कहीं अपलोड ले, तो भाई अनिरुद्ध को यह लगने लगा कि अब वो झनक को कभी नहीं पाएगा। और झनक की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि झनक ने अनिरुद्ध को खुद से दूर कर दिया। क्या ये वही झनक है जो अनिरुद्ध को प्रेगनेंसी का न्यूज़ बताने आई थी? जिस तरीके से अनिरुद्ध वही नहीं है, जैसे कि अनिरुद्ध ने झनक को रिजेक्ट मारा लेकिन अनिरुद्ध उसके बाद दौड़ा दौड़ा चलाया, तो भाई जब झनक तुम भी अनिरुद्ध के पास आई थी तो भाई कहीं ना कहीं तुम भी तो अनिरुद्ध के पास उम्मीद लगा के ही तो आई थी ना। यदि तुम्हारा उम्मीद उस टाइम पर खरा नहीं उतर पाया, तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया अनिरुद्ध, तो बाद में तो तुम्हारे पास ज़रूर आया ना। झनक देखो, इंसान है, सबसे गलती होती है, ऐसा नहीं कि तुम पूरी परफेक्ट हो, ये नहीं बोलता कि अनिरुद्ध पूरा परफेक्ट है, सभी लोगों में थोड़ी बहुत कमी होती है, सबसे थोड़ी बहुत गलती जरूर होती है। तो ऐसे में झनक और अनिरुद्ध, जब तुम दोनों में आपस में चीजें बिगड़ी गई थी, उसे वापस ठीक करने का जब दोनों के पास मौका मिला था, तो तुम पीछे क्यों हट गई झनक? और सबसे बड़ी बात है कि अनिरुद्ध तुम्हें वहां पे अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा है, यह बात बोल रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के बिल्स पूरे मैं भरूंगा। जब यह सारी बातें बोली जा रही है तो अनिरुद्ध तुम्हें
जनक तुम्हें अनिरुद्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए था। और देखिए नतीजा क्या हुआ, आज अनिरुद्ध के पास तुम दौड़ी दौड़ी चले गए और एक बार फिर से बेचारा अनिरुद्ध क्या हुआ, अनिरुद्ध पूरी तरीके से पागल हो गया। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। और सबसे बड़ी बात यह भी दोस्तों कि अब अनिरुद्ध को बखूबी एक बात समझ आ चुका है कि वो जनक के बिना नहीं जी सकता है। और अब जनक को भी ये बात पता चल गया कि यदि वो अनिरुद्ध सर जी को छोड़कर चले गए यहाँ से तो अब जनक का कुछ नहीं हो सकता। कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि जनक का करियर पूरी तरीके से फॉल हो जाएगा, जनक अब अनिरुद्ध के साथ ही रहेगी वगैरह वगैरह कुछ भी होगा। जहाँ पे जनक अस्पताल में आई है, जनक और अनिरुद्ध को अलग करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे तमाशे हो जाएंगे। लेकिन इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ी बात वो है जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था, और वो है अर्शी और जनक का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, अर्शी और जनक का जब आमना सामना होगा तो सबसे बड़ी बात यह आएगी कि कैसे अब अर्शी और जनक के बीच में अनिरुद्ध को लेकर बहस चली जाएगी। वैसे इनके बीच में कोई दूसरी कड़ी तो है नहीं, इनके बीच में एक ही कड़ी है और वो है अनिरुद्ध। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब दोस्तों अनिरुद्ध खुद अस्पताल में एडमिट होगा, खुद अस्पताल में बेहोश पड़ा होगा, उस वक्त में अर्शी अनिरुद्ध के ऊपर हक झाड़ने की कोशिश करेगी। और ऐसे में जनक इस बार अर्शी की कोई भी बात नहीं सुनने वाली है। जनक अर्शी को सीधे मुंह जवाब देगी, ये बताएगी कि देखिए अब वो आपके पति नहीं बल्कि मेरे पति हैं, आपके पति थे जब तक आप उनके ऊपर जबरदस्ती का हक जता रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब ऐसी बात है कि अब उन्होंने खुद आकर मुझे मुंबई में अपनी पत्नी का दर्जा दिया। और मैं ये नहीं बोलती कि किसी ने बोल दिया तो मैं पत्नी बन गई, किसी ने बोला तो तुम पत्नी नहीं होती थी आप, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोगों की शादी नहीं हुई है ये बात मुझे पता है। और आपकी इस शादी को ना ही अनिरुद्ध मानता है ना ही आप मानती है, आपको भी बात पता है। कहीं मैं वापस लौट के अनिरुद्ध के सर जी की ज़िंदगी में ना जाऊँ, इस डर के ही मारे आप अनिरुद्ध सर जी के साथ रहती है। लेकिन इसके बदौलत, इसके बजाय आपके पास दूसरी कोई वजह नहीं है कि आप अनिरुद्ध सर जी के साथ पति पत्नी के रिश्ते में जुड़कर रहने वाली है। एक क्लैरिटी के साथ जनक ये बात बोलकर ये जाहिर कर रही है कि अब जनक और अनिरुद्ध ही एक दूसरे के पति पत्नी हैं। ऑफिशियल, लीगल, सांस्कारिक, पारंपरिक, धार्मिक, जैसा बोला जाए वैसे सारे मायनों में जनक ही अनिरुद्ध की पत्नी है। ये बात जनक प्रूफ कर देगी और हमारे अर्शी को लगेगा बहुत बड़ा झटका। अब आप लोगों को पता है कि जब अर्शी को झटका लगता है तो उसकी चुड़ैल माँ सृष्टि आ जाती है, और चुड़ैल माँ जब आई है तो थोड़ी बहुत तो डायन वाली हरकतें जरूर करेगी। अब ऐसे में सृष्टि के इस डायन वाली हरकतों का जनक कैसे सामना करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये तमाम तमाशे को देखकर, आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर, जनक के इस मुंह तोड़ जवाब को देखकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है लेकर कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में, उम्मीद करूंगा आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे, बेशक वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट रेणु कुमार जल्दी आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना ना भूले कि आप जनक के और अनिरुद्ध के इस महामिलन के इमोशनल वाले मोमेंट्स को लेकर, जहाँ पे जनक और अनिरुद्ध शायद हमेशा मिलकर एक हो जाए, इस मोमेंट को लेकर कितने एक्साइटेड, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।